हेलो नमस्कार, वेलकम टू द क्लास। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पाइथन में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई पाइथन में लिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो पाइथन में एरेज कुछ नहीं होता, एरेज लिस्ट ही होता है, तो उसको पढ़ना है। तो एक्चुअल में क्या है, तो पाइथन कलेक्शंस बोलते हैं उसे, दैट इज एरे। आगे चलते हैं, देयर आर फोर कलेक्शन डेटा टाइप्स इन द पाइथन। अगर हम पाइथन की बात करें तो वहां पे फोर कलेक्शन डेटा टाइप है, कलेक्शन डेटा टाइप है चार तरीके के पाइथन प्रोग्रामिंग में। कौन कौन से? पहला है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट क्या है? लिस्ट इज अ कलेक्शन व्हिच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एक ऑर्डर्ड है और चेंजेबल है, ऑर्डर भी है और चेंज भी कर सकते हैं। अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स, और एक से ज्यादा डुप्लीकेट मेंबर आ सकते हैं। टपल क्या होता है? टपल इज अ कलेक्शन, टपल भी कलेक्शन है, विच इज ऑर्डर्ड, ये भी ऑर्डर्ड है बट अनचेंजेबल। अगर टपल में कोई वैल्यू है तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते, क्लियर। लेकिन लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर्ड तो है लेकिन अनचेंजेबल है टपल। अलाउ द डुप्लीकेट मेंबर्स, इस पर भी डुप्लीकेट मेंबर्स आ सकते हैं टपल पे। तो अभी आपको टपल की नॉलेज नहीं है तो आप परेशान मत होइए, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई टपल नहीं है तो मैं कैसे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे पढ़ाऊंगा। तीसरा है सेट। सेट इज अ कलेक्शन, सेट भी कलेक्शन है, विच इज अनऑर्डर्ड। लेकिन सेट क्या है? अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स, और ना ही इसमें कोई इंडेक्सिंग है। नो डुप्लीकेट मेंबर्स, यहां डुप्लीकेट मेंबर नहीं आ सकते। डिक्शनरी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। डिक्शनरी इज अ कलेक्शन, ये भी कलेक्शन है, विच इज अनऑर्डर्ड। पहली बात तो अनऑर्डर्ड है, चेंजेबल, हम इसे चेंज कर सकते हैं, एंड इंडेक्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो डिक्शनरी के बारे में क्या क्या पढ़ा आपने? अनऑर्डर्ड है, चेंज कर सकते हैं, और इंडेक्स रहिए, जबकि आपका सेट क्या है? अनइंडेक्स था। ठीक है, नो डुप्लीकेट मेंबर्स, इसमें डुप्लीकेट मेंबर नहीं आएंगे। लेकिन फोकस क्या आज हमारा? आज हमें पढ़ना है लिस्ट, तो लिस्ट को पूरी तरीके से पढ़ना है। तो लिस्ट क्या? तो लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। इन पाइथन लिस्ट आर रिटन विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, इससे पहले जब मैंने लूप्स पढ़ाए थे, अगर आपने लूप्स पढ़े होंगे तो वहां हमने लूप्स में ही काम किया था, फॉर लूप में हमने लिस्ट पे ही काम किया था। तो लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हमने लिस्ट बनाई एलएसटी, एलएसटी में मैंने डाला एप्पल, बनाना, चेरी, और प्रिंट किया एलएसटी को। तो देखो क्या प्रिंट हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, एप्पल, बनाना और चेरी, प्रिंट हो गया। लिस्ट के ये आइटम थे, ये प्रिंट हो गए, समझ में आ गया आपको? तो लिस्ट ऐसे बनाते हैं। अब आप यहाँ पे कुछ और भी जोड़ सकते हो, मान लो आपने यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे आपने जोड़ दिया पॉमीग्रेनेट, POMEGRANATE, पॉमीग्रेनेट। ठीक है, तो ये पॉमीग्रेनेट आ गया, क्लियर हो गया आपको? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आती है सेकंड क्वेश्चन। एक्सेस द आइटम, यू कैन एक्सेस द आइटम, यू एक्सेस द लिस्ट आइटम बाय रेफरिंग द इंडेक्स नंबर। ठीक है, अगर आपको कोई एक आइटम को रेफर करना है, मान लो इसको, इसको या इसको, एप्पल को, बनाना को या चेरी को, तो आपको इंडेक्स देना पड़ेगा। अच्छा, इंडेक्स स्टार्ट कहां से होता है? जीरो से। तो दिस इज जीरो इंडेक्स, दिस इज वन इंडेक्स, दिस इज टू इंडेक्स। तो अगर मैंने टू डाला है तो चेरी प्रिंट होगा, देख लो वो नीचे प्रिंट भी हो रहा है, साफ साफ चेरी प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने एलएसटी टू डाला। और अगर मैं एलएसटी जीरो डाल दू, ठीक है, एक लिस्ट बनाई एलएसटी नाम की, उसमें ये वेरिएबल आइटम्स हैं, अगर अब मैं जीरो प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट करेगा? एप्पल, वो आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर। अच्छा, अब आती है बात, आओ नीचे, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। जैसे पॉजिटिव इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, वैसे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी है। अच्छा, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है? नेगेटिव इंडेक्सिंग मींस बिगनिंग फ्रॉम द एंड। नेगेटिव इंडेक्स हमने लिखा है 0, तो वो बिगनिंग फ्रॉम बिगनिंग हो रहा है, और अगर हमने नेगेटिव इंडेक्स लिखा है तो बिगनिंग फ्रॉम एंड हो रहा है, मतलब यहां से शुरू हो रहा है, उल्टा शुरू हो रहा है। और स्टार्टिंग अगर हम बिगनिंग से करें तो जीरो से शुरू होगा, और एंड से शुरू करें तो माइनस वन से शुरू होगा। तो नेगेटिव इंडेक्स मींस बिगनिंग फ्रॉम द एंड, माइनस वन रिफर्स टू द लास्ट आइटम। तो अगर हम माइनस वन की बात करें, ठीक है, क्योंकि माइनस जीरो तो कोई चीज होती नहीं, तो माइनस वन की बात करें तो हम इस आइटम की बात कर रहे हैं, माइनस टू की बात करें तो हम इस आइटम की बात कर रहे हैं, और माइनस थ्री की बात करें तो हम इस आइटम की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो अब आप देख लो, अगर मैंने इसको रन कराया तो आप देख लो बनाना प्रिंट कर रहा है माइनस टू, दैट इज माइनस वन माइनस टू। अगर मैं माइनस वन ही प्रिंट करा के दिखा दूं आपको, माइनस वन, तो आप देखो चेरी प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं माइनस माइनस, दिस इज माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, अब माइनस थ्री प्रिंट कर ले तो देखे क्या प्रिंट कर रहे हैं, एप्पल। और अगर माइनस फोर प्रिंट करें तो क्या होगा, तो इंडेक्स एरर आ गई है, बाकी लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे हम आउट ऑफ रेंज की एरर आती है, अगर आप आउट ऑफ रेंज जाने की कोशिश करेंगे तो आपका आउट ऑफ रेंज दिखाएगा, क्लियर। तो मैं फिर से बता रहा हूं, अगर माइनस वन लिखा है तो हम लास्ट से पहले की बात करें, दैट इज चेरी। चलो यहां तक बात क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आती है रेंज, रेंज ऑफ इंडेक्स। अब हम इंडेक्स में, अभी हमने एक 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 वैल्यू दी, अब हम रेंज भी दे सकते हैं, शुरुआत कहां से हो, अंत कहां तक हो, दिस इज कॉल्ड रेंज। यू कैन स्पेसिफाई अ रेंज ऑफ इंडेक्स बाय स्पेसिफाइंग वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड, जैसा मैंने बताया शुरुआत कहां पे हो और एंड कहां पे हो। व्हेन स्पेसिफाइंग अ रेंज द रिटर्न वैल्यू विल बी द न्यू लिस्ट। अब वहां पे जब हम इंडेक्स की वैल्यू दे रहे थे
तो एक वैल्यू रिटर्न हो रहा था। अगर अब यहां पे हम रेंज देंगे तो लिस्ट रिटर्न होगी, यहां समझने वाली बात है। अगर हम सिर्फ इंडेक्स पास करते हैं, सिर्फ इंडेक्स पास करते हैं तो वैल्यू रिटर्न होती है, और अगर रेंज पास करेंगे तो पूरी की पूरी लिस्ट रिटर्न होगी। ठीक है, एग्जाम्पल, चलो अगर मैंने कहा एग्जाम्पल रिटर्न थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ आइटम, अब हमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ आइटम रिटर्न करना है तो कैसे होगा, दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज नाउ थर्ड। ठीक है, तो जीरो वन टू बट रिटर्न थर्ड आइटम। ठीक है, थर्ड आइटम मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड आइटम, दिस इज कॉल्ड थर्ड आइटम बट इंडेक्स इज टू, इंडेक्स इज टू, जीरो वन टू, तो बट है आइटम ये थर्ड, तो फर्स्ट आइटम सेकेंड आइटम थर्ड आइटम, तो ये थर्ड आइटम है तो मतलब इंडेक्स क्या होगा इसका टू, और हमें कहां तक जाना है, फोर्थ और फिफ्थ भी चाहिए तो इंडेक्स थ्री और इंडेक्स फोर ये चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, एक लिस्ट बनाई, उसमें ये एलिमेंट डाल दिए। अब मैंने लिखा प्रिंट लिस्ट टू इज टू फाइव, मतलब दो से शुरू करें, दैट इज जीरो वन टू, मतलब थर्ड आइटम से, और कहां तक जाए, फिफ्थ आइटम तक जाए, दैट इज थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, जबकि इंडेक्स हमने दिया यहां पे फाइव, तो इस हिसाब से जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ये भी आना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखना कि पहले वाला इंडेक्स इंक्लूड होता है, लास्ट वाला इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर आपने टू से फाइव दिया है तो जीरो वन टू ये आएगा, थ्री आएगा और फोर आएगा, फाइव नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने रन कराया आप देख लो, चेरी आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, कीवी आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, मेलन नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पे साफ साफ, स्टार्ट एंड इंडेक्स टू इंक्लूडेड एंड एट इंडेक्स फाइव नॉट इंक्लूडेड, क्लियर, इंडेक्स फाइव इंक्लूडेड नहीं होगा, जैसा फॉर लूप में होता है। आपने अगर फॉर लूप में लिखा है, फॉर लूप में लिखा फॉर आई इन रेंज फाइव, तो वो जीरो से चार तक ही चलेगा, इसी तरीके से यहाँ पे रेंज में उससे कम चलता है। अच्छा, By leaving out the start value, the range will start at the first item. ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे starting index नहीं दिया, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? वो starting से ही चलेगा, कहाँ से? Zero से चलेगा, और कहाँ तक चलेगा? चार तक, पांच दिया ना तो चार तक, that is zero, one, two, three, four, यहाँ तक चलेगा। तो आंसर क्या कहेगा? एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी, तो साफ साफ नीचे दिख भी रहा है, एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी, फिफ्थ एलिमेंट नहीं आएगा, और इसका मतलब क्या, अगर हमने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया तो कहां से स्टार्ट करेगा? बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेगा, ये रन करा के दिखा दिया। चलो, बाय लीविंग आउट द एंड वैल्यू, अब मान लो मैंने एंड वैल्यू नहीं दी, तो एंड वैल्यू नहीं दी तो इसका मतलब आप समझ गए, मुझे पता है आप समझ गए, तो वो क्या करेगा, वन से स्टार्ट करेगा, मतलब पहले पहले इंडेक्स से, दैट इज जीरो और वन से स्टार्ट करेगा और बिल्कुल आखिरी तक जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने लास्ट दिया ही नहीं तो वो पूरा आखिरी तक जाएगा। तो रन करा के देख लो, ठीक है, तो देखो बनाना से शुरू कर रहा है, यहां से शुरू कर रहा है, पूरा मैंगो तक जा रहा है, तो वो मैंगो तक पूरा जा रहा है, क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया? तो स्टार्टिंग नहीं दिया है तो, और एंड नहीं दिया है तो, वो भी आपको समझा दिया मैंने। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब नेगेटिव, जैसे रेंज पॉजिटिव है वैसा नेगेटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव आपको पता है। चलो, तो स्पेसिफाई द नेगेटिव इंडेक्स इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम सर्च फ्रॉम द एंड। अब नेगेटिव कब लेते हैं, जब हमें एंड से चलना है, तो एंड कहां से स्टार्ट होता है, माइनस वन से स्टार्ट होता है। चलो, तो लिस्ट, अब ये दिया है, लिस्ट आपको दी हुई है, जो आपने पहले ही देखी, लिस्ट बना रखी है हमने, हमने लिखा प्रिंट, प्रिंट करो लिस्ट को माइनस थ्री माइनस वन, अब आप समझ रहे हो, इसे तो बोलते हैं माइनस वन, ये हो गया माइनस टू और ये हो गया माइनस माइनस थ्री, तो माइनस थ्री इंक्लूड होगा, पहला वाला इंक्लूड होता है, माइनस टू भी इंक्लूड होगा, लेकिन माइनस वन इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या आ रहा है, कीवी मेलन, देखा आपने, कीवी और मेलन आ रहा है। अगर यहां पे हम माइनस फोर कर दे रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, क्लियर, तो हमारा उस केस में क्या आएगा, ऑरेंज, कीवी, मेलन, मैंगो, मैंगो नहीं आएगा, लास्ट तक आएगा, तो देख लो, समझ में आ गया आपको, ठीक है, ओके। अब आती है बात, अगर आपके मन में आ रहा होगा, सर अगर मैंगो भी चाहिए तो जब मैंगो भी चाहिए तो बस ये लास्ट का इंडेक्स हटा दो, लो अब मैंगो भी आ जाएगा, समझ में आ गया सर, क्लियर हो गया मैडम, बस यही बताना चाह रहा था मैं, ये अगर आपके मन में आ रहा होगा, अगर मैंगो भी चाहिए तो फिर लास्ट इंडेक्स मत रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, इधर आओ, चेंज आइटम वैल्यू, आपको मैंने बताया था लिस्ट की डेफिनेशन, फिर से देखो लिस्ट की डेफिनेशन, देखो पहले लिस्ट की डेफिनेशन क्या है, एक ऑर्डर्ड है और चेंजेबल, हम चेंज कर सकते हैं इसके किसी भी आइटम को, चेंज कर सकते हैं, तो बस यहाँ पे दिया है, देखो, तो चेंज आइटम वैल्यू, टू चेंज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक आइटम रेफर टू द इंडेक्स, तो हम इंडेक्स में वो वैल्यू डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा इंडेक्स जीरो में क्या है, एप्पल, वन में क्या है, बनाना, अगर हम बनाना को पॉमीग्रेनेट से, अनार से चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम LST1 में, लिस्ट वन पे
क्या करेंगे, एलएसटी हमारी जो लिस्ट है इसके वन इंडेक्स में पॉमीग्रेनेट डाल देंगे। और अगर हम हमें प्रिंट कराएंगे तो देखो अब क्या प्रिंट कर रहा है, एप्पल पॉमीग्रेनेट, बनाना को उड़ा दिया उसने और चेरी तो सेकंड था। क्लियर? तो यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा आओ, ये भी काम कर चुके हैं हम लोग, ये आप काम कर चुके हैं ना, लूप चला चुके हैं। तो बस कुछ नहीं, एक आपने लिस्ट बनाई एप्पल बनाना चेरी और आपको पूरे एलिमेंट को चलना है। तो क्या करोगे, फॉर वाई इन एल एस टी प्रिंट वाई, तो सबसे पहले जीरो इसको इसको तीनों को प्रिंट कर देगा। क्लियर हो गया? ये तो आप कर चुके हो, लूप अगर आपने पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब आती बात चेक इफ आइटम एग्जिस्ट, चेक करना क्या आइटम एग्जिस्ट करना है, एग्जिस्ट है उसमें, मतलब अगर मान लो एप्पल है, बनाना है, चेरी है और हमें पता लगाना है कि क्या इसमें बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, इफ बनाना इन 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 आई एन, ये इंपॉर्टेंट है। कहां पर, लिस्ट पे, LST, लिस्ट का नाम क्या रखा मैंने, एलएसटी। आप एलएसटी, राहुल, अभय कुछ भी दे सकते हो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, आप प्रीति भी दे सकते हो, अगर आपको प्रीति अच्छी लगती है तो आप प्रीति का नाम भी दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? बाकी आपको पता है कि आपको किसका नाम अच्छा लगता है। एनीवेज, तो हमने लिखा एलएसटी में, हमारे पास ये एलिमेंट है, हमने लिखा क्या इफ बनाना है किसमें, एलएसटी में, तो अगर है तो क्या प्रिंट कर दे, यस बनाना इन द फ्रूट लिस्ट। तो देख लो और शो कर रहा है यस बनाना इन द फ्रूट, आउटपुट आ रहा है क्योंकि बनाना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑरेंज लिख दूं, ओ आर ए एन जी ई, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इफ तो दिया है, एल्स नहीं दिया है। तो अब मैं अगर एल्स देना चाहूं तो ये भी देख लो, तो अब मैं लिखूं एल्स, else print p r i n t print, यहां पे मैंने दो not not in list, बस अब रन करा दे रहा हूं तो अब आ रहा है आंसर not in list। क्लियर हो गया आपको? चलो गुड, समझ में तो आएगा, अगर मैं समझा रहा हूं तो समझ में कैसे नहीं आएगा, ये मुझे ऐसा लगता है। अब आओ, अब कुछ फंक्शन पढ़ लेते हैं लिस्ट के अंदर के। तो आओ धीरे धीरे करके एक एक फंक्शन पढ़ना शुरू करते हैं। लिस्ट की लेंथ निकाल लिया हमें, क्लियर? मान लो ये हमारी लिस्ट है, इसकी लेंथ निकालनी है। टू डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम इन द लिस्ट वी यूज लेंथ फंक्शन LEN। तो क्या करेंगे हम लोग, एलएसटी हमने लिस्ट बनाई, हमने प्रिंट के अंदर लिख दिया LEN LST। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, वो लिस्ट की लेंथ को हमें दे देगा, है ना। लिस्ट की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5। क्लियर? तो 5 एलिमेंट है तो लिस्ट की लेंथ कितनी है, 5, वो हमें 5 रिटर्न कर देगा। क्लियर हो गया आपको? बहुत इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अच्छा ऐड आइटम, अगर आपको आपको लिस्ट में कुछ आइटम ऐड करना है, मतलब एप्पल बनाना चेरी तो ऑलरेडी लिस्ट में है, अब आप चाहते हो पाइनएप्पल भी आ जाए, तो आप क्या यूज करोगे, अपेंड फंक्शन। क्या यूज करोगे, एलएसटी लिस्ट थी उसमें अपेंड, तो अपेंड क्या करेगा, इसके लास्ट में अपेंड कर देगा। तो जैसे ही आपने लिखा एलएसटी डॉट अपेंड और फिर प्रिंट कराया एलएसटी को, तो देखो अब आउटपुट आ रहा है एप्पल बनाना चेरी और पाइनएप्पल। क्लियर? अगर एक बार मैं इसको एक और अपेंड कर दूं, चलो मैं यहां से पूरा ही कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, और मैं एक और अपेंड कर दे, कंट्रोल वी, और मैं यहां पे मैंगो अपेंड कर दे रहा हूं, पहले पाइनएप्पल और फिर मैंगो, MANGO। क्लियर? तो अब देखो, तो अब दो आंसर आ रहे हैं। पहले पहले हमने पाइनएप्पल ऐड किया तो पाइनएप्पल तक का प्रिंट करा लिया, फिर हमने मैंगो भी ऐड कर दिया तो मैंगो भी प्रिंट हो। क्लियर हो गया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं, इधर आओ। टू ऐड आइटम एट स्पेसिफिक इंडेक्स, अब हमें क्या करना है, अपेंड तो क्या करता है, सीधे उठा के लास्ट में डाल देता है। अब मैं चाहता हूं नहीं भैया, एक स्पेसिफिक इंडेक्स में आइटम ऐड हो, समझ में आ रहा है आपको, ऐड हो, रिप्लेस नहीं करना है। इससे पहले हमने रिप्लेस किया था, समझ में आ रहा है आपको? देखो हमने यहां पे, अगर आप इसकी बात करो तो यहां पे ये हमने यहां पे बनाना को उड़ा के पॉमीग्रेनेट डाला था। अब हमें किसी को उड़ाना नहीं है, हमें तो क्या करना है कि भैया उस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक एलिमेंट डालना है। तो अगर मान लो हमें 0 1 2 सेकंड पोजीशन पे, 0 पोजीशन ये, 2 ये, 0 ये, 1 ये, 2 सेकंड पोजीशन पे ऑरेंज डालना, तो हम क्या लिखेंगे, इंसर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे एलएसटी डॉट इंसर्ट, कौन सी पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे क्या डाल दो, ऑरेंज। तो अब जब मैंने इसको रन कराया तो क्या आ रहा है, एप्पल आ रहा है, बनाना आ रहा है, 0 पोजीशन पे एप्पल, 1 पोजीशन पे बनाना, देखो अब ऑरेंज आ गया और चेरी आ गया। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका आउटपुट। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं इसको 1 में डाल दूं तो अब क्या होगा, 1 पोजीशन पे ऑरेंज आ जाएगा। तो अब देखो 1 पोजीशन पे ऑरेंज आ गया। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। तो आपने कौन कौन से फंक्शन देखे अभी, एक आपने देखा अपेंड, एक आपने देखा लेंथ, एक आपने देखा इंसर्ट। अब एक और फंक्शन देखते हैं, रिमूव। अगर हमें किसी एलिमेंट को रिमूव करना है, ठीक है, लिस्ट के किसी एलिमेंट को रिमूव करना है, रिमूव आइटम, देर आर सेवरल मेथड टू रिमूव आइटम फ्रॉम द लिस्ट। पहला क्या है, रिमूव।
एक हमारी लिस्ट थी उसमें एप्पल और बनाना चेरी था। अब मुझे उसमें से रिमूव करना है चेरी को, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, चेरी को अगर रिमूव करना है तो चेरी को रिमूव करना है तो हम क्या लिखेंगे, lst.remove cherry। तो जैसे ही चेरी लिखेंगे तो देखो एप्पल आएगा, बनाना आएगा, चेरी उड़ गया। और अगर मुझे बनाना को रिमूव करना था तो मैं लिख दूंगा बनाना, banana। तो देखो अब एप्पल आ रहा, चेरी आ रहा, बनाना उड़ गया। तो अगर हमें किसी को रिमूव करना है तो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, रिमूव करने का एक और फंक्शन है पॉप। पॉप आपको नाम पता है, पॉप पॉप पुश पॉप। पॉप पॉप क्या करता है, स्टैक में से एलिमेंट को उड़ाता है। क्लियर। द पॉप मेथड रिमूव द स्पेसिफिक इंडेक्स, हम जो भी इंडेक्स देंगे उस इंडेक्स को वहां से उड़ा देगा। क्लियर। और अगर हमने कोई भी इंडेक्स नहीं दिया, और द लास्ट इंडेक्स इफ नॉट स्पेसिफाइड, अगर हमने कुछ भी नहीं दिया तो देखो हमने लिखा lst.pop, तो ये कौन सा उड़ाएगा, चेरी उड़ा देगा। तो देखो रन करा के मैंने दिखाया हुआ, तो ये इसने क्या किया, चेरी उड़ा दिया। लेकिन अगर मैंने यहां पे जीरो डाल दिया तो देख आप बताओ क्या उड़ाएगा, आप बताओ, जीरो एलिमेंट उड़ा देगा। अगर कुछ नहीं डाला तो लास्ट, अगर डाला है तो क्या उड़ा दिया, जीरो एप्पल उड़ा दिया। तो बनाना भी है, चेरी भी है। और अगर हमने वन डाल दिया तो अब बनाना उड़ा देगा। क्लियर, एप्पल और चेरी आ रहा है। समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक फंक्शन और होता है डिलीट करने का। तो एक आपने रिमूव पढ़ा, एक आपने पढ़ा पॉप, और एक आपने पढ़ा, अब पढ़ने जा रहे हैं आप डेल। डेल क्या करता है, डेल रिमूव्स द स्पेसिफाइड इंडेक्स। अगर हम आप एक इंडेक्स देना चाहते हैं, जैसे आपने पॉप में दिया वैसे डेल में दिया, तो वहां पे lst.pop करने की जरूरत नहीं, आप सीधे लोगों डेल एलएसटी और वन, तो वो वन एलिमेंट को उड़ा देगा। तो देखा आपने, एप्पल और चेरी आ रहा है, बनाना को उड़ा दिया। तो डेल फंक्शन से हम, डेल से भी हम काम कर सकते हैं, del से, डेल कीवर्ड से। डेल इज अ कीवर्ड, क्लियर। ओके, डेल इज नॉट अ फंक्शन, डेल इज अ कीवर्ड, क्लियर। अच्छा, द डेल कीवर्ड कैन ऑल्सो डिलीट द लिस्ट कंप्लीटली। अगर हमें पूरी लिस्ट ही उड़ानी है तो क्या करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, लिस्ट दी हमने लिखा है डेल एलएसटी, तो जैसे ही डेल एलएसटी लिखेंगे तो क्या करेगा, पूरी लिस्ट ही उड़ा देगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करूं, print प्रिंट एलएसटी, तो अब एरर आ गई, नेम लिस्ट लिस्ट है ही नहीं, उड़ा दी उसने, खत्म कर दिया, लिस्ट ही खत्म कर दी। तो किसको आप रन करा रहे हो, देखो समझ में आ रहा है कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसने लिस्ट एलएसटी ही उड़ा दिया। मतलब अगर मैं इसको अभी कमेंट बना लूं, तो अब मैं इसको रन कराऊं, तो अब अभी लिस्ट एग्जिस्टिंग है क्योंकि हमने इसको उड़ाया नहीं। और आप समझते हो डेल का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप। अगर आपने डीबीएमएस जानते हैं तो डीबीएमएस में जो ड्रॉप कमांड होती है, जो पूरे टेबल को उड़ा देता है, वही कर रहा है। अब मैंने डेल लिखा तो अब इसने क्या किया, पूरी एलएसटी लिस्ट उड़ा दी। अगर आप मैं प्रिंट एलएसटी कह रहा हूं तो कह रहा है कौन सा एलएसटी, मैं तो जानता ही नहीं, क्यों, क्योंकि इससे पहले इसने उड़ा दिया। क्लियर, इसलिए इसको हैश कर दो। चलो उड़ गया, क्लियर। क्लियर क्या करता है, क्लियर क्लियर देखो क्लियर क्या करता है, क्लियर क्या करता है, लिस्ट को देखो, यही यही फर्क होता है। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो एक मैंने लिखा डेल और एक मैंने लिखा क्लियर फंक्शन, मैंने लिखा lst.clear, और अब मैं प्रिंट एलएसटी कर रहा हूं, तो अब वो लिस्ट को दे रहा है, वो देखो आउटपुट दे रहा है, ये देखो ये आउटपुट दे रहा है। तो फिर फर्क क्या हुआ लिस्ट और डेल और क्लियर में, तो क्लियर क्या करता है, लिस्ट के अंदर के एलिमेंट को उड़ाता है, पूरी लिस्ट को नहीं उड़ाता, लिस्ट को खाली कर देता है। जैसा क्या डिफरेंस था, ड्रॉप और ट्रंकेट। तो डीबीएमएस अगर आपने पढ़ा है तो वहां पे अगर ड्रॉप चलाओ तो पूरे टेबल को उड़ा देगा, अगर आप ट्रंकेट चलाओ तो टेबल को तो नहीं उड़ाएगा, स्ट्रक्चर को तो नहीं उड़ाएगा, लेकिन टेबल के अंदर के एलिमेंट जितने भी आपने टपल्स हैं, टेबल के अंदर जितने भी रो हैं, उसको उड़ा देगा। तो बस आप ये समझ लो कि डेल इज लाइक ड्रॉप एंड क्लियर इज लाइक ट्रंकेट। क्लियर, देखा आपने। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए एक ये बड़ा एग्जांपल मैंने लिया था इसको, कॉपी। कॉपी का क्या मतलब होता है, कॉपी या लिस्ट का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। कॉपी का लिस्ट, यू कैन नॉट कॉपी अ लिस्ट सिंपली बाय टाइपिंग लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1, कर सकते हैं लेकिन यहां पे लिखा क्यों, इसको समझाता हूं। बिकॉज़ लिस्ट 2 विल ओनली बी अ रेफरेंस टू लिस्ट 1 एंड चेंजेस मेड टू लिस्ट 1 विल ऑटोमेटिकली आल्सो बी मेड इन लिस्ट 2। इसका क्या मतलब है, आओ पहले चलते हैं। कह रहा है कि भैया लिस्ट 1 अगर तुम लिस्ट 2 करोगे तो क्या है, वो कॉपी नहीं करेगा, लेकिन कॉपी करता है। मैं आपको दिखाता हूं क्या, मैंने एलएसटी लिखा यहां, पहले मैं ये समझा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन एलएसटी लिखा, इसमें एप्पल बनाना चेरी था, मैंने एलएसटी 2 में एलएसटी कॉपी कर दिया, तो कॉपी हो गया। अगर आपने प्रिंट किया एलएसटी 2 प्रिंट किया, तो देखो पहला प्रिंट में आ रहा है ना, हम एलएसटी की वैल्यू एलएसटी 2 में डाल दी, तो एलएसटी 2 को प्रिंट करा रहे, तो वो पूरी वैल्यू दे रहा है। बट देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब अगर हम चेंज करेंगे किसमें, अगर हम चेंज करेंगे लिस्ट पे, तो वो चेंज एलएसटी 2 पे भी होगा। मतलब अगर मैंने एलएसटी में अपेंड किया ऑरेंज, मतलब ऊपर वाली लिस्ट में ऑरेंज डाल दिया,
तो फिर मैंने लिखा प्रिंट लेट सी द चेंजेस। तो अब हमने लिस्ट टू को प्रिंट कराया तो उसमें भी ऑरेंज आ गया, और लिस्ट एलएसटी को प्रिंट कराया तो उसमें तो ऑरेंज हमने डाला ही है तो लिस्ट टू में भी आ गया। तो अगर कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी करने पे क्या होना चाहिए, एक जगह कॉपी हो गया तो अगर हम दूसरी जगह चेंज कर रहे हैं तो कॉपी में चेंज नहीं होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल फायदा ही क्या, मतलब आपकी वर्ड की फाइल है क्लियर, और वो वर्ड की फाइल आपने दो जगह सेव कर दी, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर आप सी ड्राइव में उस वर्ड की फाइल में काम कर रहे हो तो वो कॉपी हो रहा है डी ड्राइव में भी, नहीं ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है कि लेकिन अगर आप यहाँ पे इस जगह ये प्रॉब्लम है कि अगर आपने ऐसे करके कॉपी किया कि लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट, तो यहाँ पे क्या करोगे, जो भी चेंज करोगे पहली लिस्ट में वो दूसरी लिस्ट में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो ये कॉपी नहीं बल्कि एक तरीके का रेफरेंस है, ये कॉपी नहीं बल्कि एक तरीके का क्या है, रेफरेंस जैसे बोलेंगे, कॉपी नहीं बोलेंगे, क्लियर, याद रखना आज के बाद। तो कोई अगर आपको बोलता है कि अगर हमने सिर्फ ये लिख दिया लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट वन तो ये कॉपी हो गया, हाँ एक तरीके से कॉपी तो हो गया बल्कि कॉपी ना होकर एक रेफरेंस हो गया, क्लियर। तो अगर आप लिस्ट वन में कोई चेंज करोगे तो लिस्ट टू में वो फर्क पड़ेगा, क्लियर। चलो एक चीज और देख ले, आपके मन में आ रही होगी मुझे पक्का पता है कि अगर आपने लिस्ट टू में कुछ चेंज किया तो क्या होगा। अब अगर ये देखो एलएसटी टू डॉट अपेंड कर देना तो क्या ये चलेगा। तो अब देखो, देखा आपने अगर हम लिस्ट टू में कुछ अपेंड कर लें तो लिस्ट वन पे भी उसका फर्क पड़ा, तो देखा आपने। तो हमने लिस्ट टू में अपेंड किया ऑरेंज, तो अब क्या हुआ, हमने लिस्ट टू को प्रिंट कराया तो उसमें तो ऑरेंज आया, एलएसटी में भी ऑरेंज आ गया। तो इसको एलएसटी वन कर लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, एक लिस्ट वन है एक लिस्ट टू है और ये एक लिस्ट वन है, क्लियर। तो ये देख लो, समझ में आ गया आपको, आ रहा होगा। तो कॉपी करने का एक तरीका ये भी है, बट ना करें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये कॉपी नहीं करता बल्कि रेफरेंस क्रिएट कर देता है। कॉपी करने के लिए एक मेथड है, बना बनाया मेथड, उसका नाम है कॉपी। तो क्या मतलब है, देखो एक हमने लिस्ट ली एप्पल बनाना चेरी, एक हमने लिस्ट वन एम्प्टी लिस्ट बनाई, उसमें लिस्ट वन को कॉपी कर दिया, लिस्ट एलएसटी को कॉपी कर दिया, तो लिस्ट वन में एलिमेंट कॉपी हो गया। अच्छा अब हम प्रिंट एलएसटी वन करेंगे और एलएसटी करेंगे तो देखो दोनों सेम आएंगे, दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये आउटपुट देखो दोनों सेम आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने पूरा का पूरा लिस्ट वन में क्या डाल दिया, लिस्ट डाल दिया, एलएसटी डाल दिया। बट अगर हम एलएसटी में पहले वाली लिस्ट में कुछ अपेंड करेंगे और चेंजेस देखने की कोशिश करेंगे तो पहले वाली लिस्ट में तो चेंज आएगा, नीचे है पहले वाली लिस्ट में तो चेंज आएगा लेकिन ऊपर वाली लिस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा बल्कि कॉपी हो रहा है, क्लियर हो गया आपको। तो दोनों में इसलिए मैंने पहले वो वाला क्वेश्चन कराया फिर ये कराया ताकि आपको समझ में आ जाए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब हमें दो लिस्ट को जोड़ना है, कॉन्कैटिनेट करना है, ज्वाइन टू लिस्ट। देर आर सेवरल वेज टू ज्वाइन और कॉन्कैटिनेट टू और मोर लिस्ट इन पाइथन। वन ऑफ द इजिएस्ट वे इज टू यूज प्लस ऑपरेटर। मतलब एक लिस्ट है ये, एक लिस्ट है ये, आपने लिखा लिस्ट थ्री इज इक्वल टू लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू और प्रिंट करा दिया लिस्ट थ्री को, तो ये हो गया भैया आपका, ठीक है जी, ए बी सी और वन टू थ्री ऐड हो गया। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये लूप वाला है, एक लिस्ट वन है ए बी सी, एक लिस्ट टू है वन टू थ्री। आप चाहते हो क्या कि आप लिस्ट टू के आइटम को लिस्ट वन में डालना चाहते हो तो क्या करोगे, LST1, list 1 में क्या करोगे, append करोगे x को, और x कहां से आ रहा है, for x in list 2, तो list 2 से x उठा रहा है, तो सबसे पहले x क्या उठाएगा 1, और कहां पे जोड़ देगा 1 को, 1 को कहां जोड़ेगा, list 1 के आगे, तो list 1 के आगे c के आगे 1 आ जाएगा, फिर 2 उठाएगा, फिर 2 जोड़ देगा, फिर 3 उठाएगा, फिर 3 जोड़ देगा। तो अगर आप list 1 को आंसर प्रिंट कराओगे तो ये आ जाएगा, क्लियर है, पैसा हमने किया है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा एक फंक्शन और होता है एक्सटेंड, अपेंड और एक्सटेंड याद रखना। एक्सटेंड क्या करता है, पूरी की पूरी लिस्ट को ही जोड़ देता है। एक हमारी लिस्ट वन थी, एक हमारी लिस्ट टू थी, हमने लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड किया लिस्ट टू को, तो ये क्या करेगा, लिस्ट वन में लिस्ट टू को एक्सटेंड कर देगा, तो ये ऐसे कर देगा, क्लियर। तो अपेंड और एक्सटेंड में फर्क क्या है, तो हमेशा याद रखना कि अपेंड क्या करता है, एक ही अगर 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 अब मैं यहां पे तुम्हें दिखाता हूं, अगर मैं यहां पे अपेंड लिखूं A double P E N D append और फिर रन कराऊं, तो देखा आपने फर्क। तो append में एक आइटम जोड़ रहा है, एक लिस्ट का आइटम, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट कर रहा है, लेकिन extend क्या करेगा उसको, extend क्या करेगा, देखो आपने वो लिस्ट को बढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है, पहली लिस्ट को बढ़ा रहा है, क्लियर, पूरे पूरे आइटम बढ़ा दे रहा है। चलो यहां तक बात समझ में आ गया। तो अपेंड और एक्सटेंड में कंफ्यूजन हो सकता है, उसको याद रखना। अच्छा अब आओ,
पाइथन में एक फंक्शन है काउंट, काउंट बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। काउंट ये बताता है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार है। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक लिस्ट है फ्रूट, इसमें एप्पल है, बनाना है, चेरी है, गुआवा है और चेरी है, ठीक है। तो अगर हमें पता करना है कि चेरी कितनी बार है, तो मैं लिखूंगा एक्स इज इक्वल टू फ्रूट लिस्ट डॉट काउंट, किसे, चेरी को, और प्रिंट किया एक्स, तो कितनी बार आ रहा है, टू। अगर मैं एक बार चेरी और ले लू स्टार्टिंग में ले लू, ठीक है, चेरी सी एच ई डबल आर वाई चेरी, क्लियर, और यहां पे कॉमा। अब मैं इसको रन करूं तो अब देखो आंसर कितना आ रहा है, अब आंसर आ रहा है तीन, क्योंकि चेरी तीन बार है। अब मैं लेकिन अगर एप्पल प्रिंट कराना चाहूं, ए डबल पी के लिए एप्पल प्रिंट कराना, एप्पल एक बार है, क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया। चलो अब अगर मुझे लिस्ट को सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग समझते हो ना, सॉर्टिंग जो करते हो आप, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, अरेंज करना है, तो सॉर्ट यूज करोगे। तो आपने फ्रूट्स एक लिस्ट है, आपने लिखा फ्रूट्स डॉट सॉर्ट, तो वो क्या करेगा, फ्रूट को सॉर्ट कर देगा, मतलब ए से शुरू करेगा एप्पल, बी से बनाना, पहले पहले लेटर के हिसाब से सॉर्ट करता है, फिर सी, फिर जी, क्लियर। अब आप मुझे बताओ, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने लिखा ए, अगर मैंने लिखा बनाना, बी ए एन ए एन ए, और इसे सिंगल कोट्स में डाल दिया, ठीक है, अब आप मुझे बताओ क्या आएगा आंसर। अब आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, ठीक है। चलो मैं रन करा के दिखाता हूं, तो सबसे पहले कैपिटल बनाना आएगा, देखा आपने, सबसे पहले कैपिटल बनाना आएगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल बी की आस्की वैल्यू स्मॉल ए की आस्की वैल्यू से कम है। कैपिटल बी की आस्काई वैल्यू है 66 और कैपिटल ए की आस्काई वैल्यू है 97। तो हमेशा याद रखना, सॉर्टिंग हमेशा आस्काई वैल्यू से होती है, आस्काई मतलब ए एस सी आई आई कोड, आपने पढ़े होंगे ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, ये जो कोड होते हैं आस्काई कोड्स, ठीक है, वो उसकी बात कर रहा हूँ, क्लियर। आगे बढ़ता हूं, अब देखो रिवर्स करना है मुझे, रिवर्स करना है, यहाँ पे मैं एक चीज और जोड़ लू, मैं यहाँ पे जोड़ लू मैंगो, एम ए एन जी ओ मैंगो। अब मुझे इस लिस्ट को रिवर्स करना है, मतलब पहले मैंगो आए, फिर चेरी आए, फिर गुआवा आए, फिर चेरी आए, फिर बनाना आए, फिर एप्पल आए, तो मैं लिखूंगा फ्रूट्स डॉट रिवर्स और प्रिंट करूंगा फ्रूट्स को। तो देखो सबसे पहले क्या गया, मैंगो, फिर उल्टा चलेगा, मैंगो चेरी गुआवा चेरी, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब लास्ट में ये सारा काम करने के बाद ये दो काम मैं क्यों करा रहा हूँ, ये दो काम मैं इसलिए करा रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि आपको ये काम करने आना चाहिए, ठीक है। ये दो काम मैंने स्पेशली ऐड कर दिए, क्यों ऐड किए, देखो अब आपको कोई इनपुट लेना है, ठीक है, अब आपको इनपुट लेना और उसको लिस्ट में डालना, ठीक। मान लो आपको एक बंदे से इनपुट लेना है कि भाई अपने कोड कलर कोड मेंशन करो अपनी चार शर्टों के, तो चार शर्टों पर वो अगर कलर कोड मेंशन कर रहा है बी बी ब्लैक ब्लैक पिंक येलो बी बी पी वाई, क्लियर, तो वो एक एक सिंगल वेरिएबल में तो आ नहीं सकता, एक्स में तो आ नहीं सकता, तो एक्स में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा एक्स इज इक्वल टू लिस्ट और इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट करता हुआ बाद में एक्स को मैं प्रिंट कराऊंगा। देखो अब मुझसे पूछ रहा है, तो मैंने क्या डाला, देखो ध्यान से, मैंने डाला ब्लैक ब्लैक पिंक येलो, तो मैंने बी बी पी वाई डाला। अब आप देखो ध्यान से, तो वो अलग अलग कर देगा इसको, देखा आपने, तो उसको उसने अलग अलग कर दिया, बी बी पी वाई अलग अलग कर दिया, तो अब लिस्ट बन गई। अब तो कभी आपको अगर कोई प्रोग्राम बनाना है उसमें इनपुट लेना है और इनपुट की वैल्यू एक से ज्यादा है जिसको आपको अलग अलग करना है, क्योंकि यूजर तो ऐसे ही देगा, तो अब आपको अगर अलग अलग करना है तो आपको ऐसे डालना पड़ेगा, क्लियर। अच्छा लेकिन सिंगल डिजिट्स की बात हो रही है, सिंगल डिजिट, सिंगल सिंगल की सिंगल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब मैं इसको फिर से रन कराता हूं, ठीक, अगर फिर से मेरे से वो कुछ इनपुट मांग रहा है, मैंने डाला 1 2 3 4, तो ये 1234 एक साथ नहीं लेगा, 1234 एक साथ नहीं लेगा, ये अलग अलग लेगा, 1 2 3 4, मतलब अगर आपको कभी अलग अलग नंबर चाहिए तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। बट इसी चीज में मैं एक चीज और दिखाता हूं, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ डलवानी किसी की, क्या डलवाना है, डेट ऑफ, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 स्पेस 11 स्पेस 1984, क्लियर। अब मैं इसको एंटर कराऊं तो देखो कितना एब्सर्ड एंटर कर रहा है, देखा आपने, यार मैं चाहता हूं यार ऐसे आए भाई 13 11 1984 अलग अलग लिख के आए,
ठीक है, तो ये तो गलत कर रहा है यार, ये तो बिल्कुल अलग कर दे, तो सबको लिस्ट में बना दिया, 1 3 स्पेस को भी बना दिया, तो यार ये गलत है। अब इसके लिए आपको लिस्ट को इस तरीके से करना पड़ेगा। क्या लिखा आपने, आप लिखोगे वाई इज इक्वल टू, या जो भी वेरिएबल है, लिस्ट मैपिंग करनी है अब आपको, मैप करना है, मतलब एक एक वैल्यू को मैप करना है, स्पेस वाली मैप करना है, किसको, इंट वैल्यू को, कहां से इनपुट जो दे रहा है उसको पहले क्या करो, स्प्लिट कर लो, उसको स्प्लिट कर लो। इस तरीके से आप लिखोगे तो क्या होगा, मैप हो जाएगी। अब मैं एंटर करता हूं, देखो 13/11/1984, अब मैंने एंटर किया तो देखो कितना बढ़िया तरीके से आ रहा है, 13 अलग 11 अलग 1984 अलग, बिल्कुल अलग, अब बढ़िया आ रहा है, अब सही आ रहा है, अब जैसा मुझे चाहिए था वैसा आ रहा है। ठीक, तो अगर आपको ऐसे काम करना है, अगर अलग अलग इंटीजर चाहिए आपको, तो अगर अलग इंटीजर चाहिए तो आप मैप करोगे इंटीजर के साथ, क्लियर। एक चीज और, अगर आप इनपुट इस तरीके कॉमा के साथ देना चाहते हो, स्पेस के साथ नहीं देना चाहते हो, और डबल कोट्स के अंदर स्प्लिट के अंदर कॉमा लिख दो, देखो इसका क्या मतलब हुआ, 13/11/1984, अगर आप कॉमा के साथ देना चाहते हो तो आपको स्प्लिट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, कॉमा, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, अलग अलग आ जाएगा, क्लियर। तो ये था आज का लिस्ट, और मैंने पूरी कोशिश की कि कोई भी पहलू ना छूटे, और ये दो लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लो कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं, ये काम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, क्लियर, ये सारे काम हमें पता चल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कुंद्रा क्लासेस, प्लीज प्लीज इफ यू रियली लाइक दिस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।